तो गाइस आज हम आपको यहाँ पर सिंगल डोर जो हमारा फ्रिज होता है जिसको हम ड्रैग कूल रेफ्रिजरेटर बोलते हैं उसकी वायरिंग सिखा रहे हैं। तो सारे के सारे पार्ट्स हमने बाहर रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको वायरिंग सिखा रहे हैं, आप समझना, कोई डाउट रहे तो पूछना। पहले पार्ट्स के नाम बताते हैं। ये हमारी मेन लीड होगी, ठीक है, और ये हमारी एक्स्ट्रा केबल्स जिससे हम इसको जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। और ये हमारा बल्ब हो गया वर्क विद 220 वोल्ट एसी, और ये हमारा डोर स्विच हो गया। डोर स्विच और बल्ब हमारे सीरीज में लगते हैं। जब हमारा गेट खुलेगा तो ये इस पोजीशन में होगा, और इस पोजीशन में बल्ब मेरा ऑन रहता है, और जब मेरा गेट बंद होता है तो ये ऐसे प्रेस होता है, जब प्रेस होगा तो बल्ब मेरा बंद हो जाएगा, ठीक है। गेट खुले अपना लाइट ऑन हो जाए, गेट बंद हो तो लाइट अपना ऑफ हो जाए। इसको ऑपरेट कौन करवा रहा है? बल्ब को, ये करवा रहा है डोर स्विच, ठीक है। अभी कनेक्शन करेंगे तो आपको पूरा वर्किंग सिखाएंगे, देखते रहना। ये आपका आ रहा है थर्मोस्टेट, सिंगल डोर का थर्मोस्टेट आ रहा है। देखो आपको ध्यान रखना है कि आपके दो टाइप के थर्मोस्टेट आते हैं। फिजिकल आपको देखने के लिए एक जैसे लग रहा होगा, लेकिन अंतर क्या है, इसके थर्मोस्टेट के अंदर बटन है, ये दिख रहा होगा, मैं बटन प्रेस करके दिखाता हूँ। ये बटन है, लेकिन इसके बीच में कोई बटन नहीं है। तो जिसमें बटन नहीं होगा वो होगा डबल डोर का, क्या होगा? डबल। और जिसमें बटन होगा वो कौन सा होगा? सिंगल डोर। और इस बटन को क्या बोलते हैं? डिफ्रॉस्ट बटन। इस बटन को दबाते क्या होगा? बर्फ जब तक हमारी मेल्ट नहीं होगी तब तक बटन बाहर नहीं आएगा, कंप्रेसर चल रहा है। हाँ, इस बटन का काम यही है, बर्फ को डिफ्रॉस्ट करना, मतलब बर्फ को मेल्ट करना। समझ में आ गया? क्या नाम है इसका? थर्मोस्टेट, ठीक है। और इसको इस तरीके से हम टेम्परेचर सेट करते हैं, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी कूलिंग बढ़ती रहेगी, जितना टेम्परेचर घटाओगे उतनी कूलिंग घटती रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया? ये आ गया थर्मोस्टेट। और एक, दो और तीन, ये आपकी तीनों के जो रिले हैं, रिले अलग अलग टाइप्स की हैं। जैसे इस रिले की बात करूँ तो इसमें अपनी लेफ्ट साइड एक पिन है, और इस वाले रिले की बात करूँ तो इसकी राइट साइड पिन है, और इस रिले की बात करूँ तो इसमें तीन साइड पिन है। अभी आपको रिले मैच करना ही बताऊँ कैसे रिले मैच करनी है। एक गलत रिले जो होते हैं ना, आप चूज करोगे आपके कंप्रेसर को भी डैमेज कर सकती है, खराब कर सकती है। तो रिले को आपको मैच करना आना चाहिए, सिंपली है, कुछ ना मुश्किल नहीं। और ये बाकी आपकी ऑयल पिन है, क्या है? इस वीडियो में आपको मैं वायरिंग सिखाऊंगा, आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे सारे के सारे पार्ट चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो सुनना कैसे कैसे करना है, शुरुआत से करेंगे वायरिंग, ना सुनना मुझे बोलना, ठीक है। पहले शुरू करते हैं डोर स्विच से। ये मान लो, सपोज करो मेरी मेन लीड है, इस मेन लीड को निकालो, नोज प्लग निकालो। मेन लीड के अंदर रेड वाले को मानो ये फेस है, क्या है ये? फेस है। अब हमने फेस को लगाना है डोर स्विच में। कल मैंने बताया था आपको, ये मैंने डोर स्विच में फेस लगाया, ठीक है, ये चला गया। और डोर से जो फेस आउट होगा वो किस में जाएगा? बल्ब सीरीज में लगाना है, ये आ गया। अब इसको क्या चाहिए? न्यूट्रल। और न्यूट्रल मेरा हो गया ब्लैक वाला, और मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, मेरा ये हो गया कनेक्ट। कल आपको याद होगा मैंने आपको वायरिंग डायग्राम बताया था कि जो मैंने मेन फेस इसको दिया है रेड वाला, यही फेस इसको जाना चाहिए। तो अभी तो यहाँ से कनेक्ट नहीं हो पाएगा ना, तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ किया, मैंने एक सिंपल एक वायर ली, ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव किया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से अपना आराम से रिमूव किया, और इस पर मैंने इसको जोड़ा, ठीक है, जोड़ दिया। अब इसको मैंने इस पर भी लगा दिया, ये फेस मेन वाला, इस पर भी आप किसी पर भी लगा लो। इसमें दो पिन है, एक इन है आउट है, मर्जी तुम्हारी, जो सा मर्जी बना लो, कोई इसमें पर वो नहीं है कि यही चुनना है आपको, कोई वो नहीं है। तो वायरिंग हमेशा टाइट होनी चाहिए, इसलिए हम ये प्लायर की मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस करके आपको लगा कर सिखा रहे हैं। अब मेन फेस आ गया, अब यही वाला फेस डोर स्विच को भी जाएगा, तो मैंने एक और केबल ली, मैंने डोर स्विच के लिए ले ली, इसको भी थोड़ा सा प्रेस करके रेड ले, फेस जो मेरा यहाँ आ गया, ठीक है, ये फेस आया। अब यही वाला फेस मेरा जाएगा, पहले जाएगा किस में? स्विच में, ठीक है, स्विच में किसी भी एक पोर्शन पर लगा दो, मर्जी तुम्हारी है। और एक पे देना न्यूट्रल, न्यूट्रल तो इसको मिल गया, न्यूट्रल बल्ब को मिल गया। अब ये जो फेस देगा ना आउट, वो बल्ब को चाहिए। ये हो गया कनेक्शन। फिर से बताता हूँ क्या किया है। मेन फेस आया, ये मेन फेस दो जगह जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक जा रहा है आपका डोर स्विच में, और एक जा रहा है आपका थर्मोस्टेट में, वही फेस है मेन वाला, चार दो जगह जाए, ठीक है। अब जब मेरा डोर ओपन होगा, जब डोर स्विच ओपन होगा, डोर खुला होगा, तो ये फेस आउट करेगा, बल्ब को फेस मिल जाएगा, न्यूट्रल यहाँ से मिल गया, सर्किट हो गया कम्प्लीट। घर में आ गया, अब आगे चलते हैं। आगे इसका आउट भी तो होगा, चाहे इसको तुम यहाँ लगा लो, चाहे इसको यहाँ से आउट कर लो, मर्जी तुम्हारी है।
ठीक है, मैंने इस पर एक ये लगाया, मैंने दूसरा फेस जो मेरा आउट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो फेस है ना मेरा, ये जाएगा OLP पे, कहाँ जाएगा? मैंने एक OLP ली, इस पर लगा दिया, और ये OLP लगी कि जाके कहाँ? कॉमन पे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ रिले को कैसे मैच करना है, इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इस कंप्रेसर में ये नीचे वाला कॉमन है, और ये लेफ्ट साइड वाला स्टार्टिंग है, और ये राइट साइड वाला रनिंग है। तो आपको इसमें वो रिले चुननी है जिसकी राइट साइड में पिन हो, तो मैच करेगा। सबसे पहले जो रिले OLP लगाते हैं ना, पहले OLP लगती है, क्या लगती है? जैसे ही मैंने OLP नीचे लगा दी कॉमन पे, कॉमन पर OLP लगा दी, अब मुझे रिले मैच करनी है। स्पोज करो मैंने ये रिले लगाई, ये लगाई, ये रिले लगी, इसका पॉइंट इस तरफ है ना, अगर मैं यहाँ न्यूट्रल दूँ तो स्टार्टिंग में चला जाएगा, कंप्रेसर उल्टा चला, खराब हो जाएगा। तो ये रिले इसकी नहीं है, हटाओ उसको। ये रिले लगाई, इसमें तीन पिन है। एक्चुअली ये रिले तब यूज होती है जब कैपेसिटर की जरूरत होती है। किसी किसी में कैपेसिटर लगता है कंप्रेसर के साथ, उसमें ये रिले लगेगी, और किसी किसी में कैपेसिटर नहीं यूज होता, वहाँ पे या तो लेफ्ट वाली या तो राइट वाली लगती है जी सर, मैच करके लगेगी। अगर मान लो मुझे इस रिले को यूज करना कि कैपेसिटर नहीं लगाना, तो यूज कर सकता हूँ। मैंने इसको लगाया, कैपेसिटर लगाना नहीं है, मैं ये दो पॉइंट खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ देना ही नहीं है, और मैंने यहाँ पे क्या देना, न्यूट्रल दूंगा, और मेरी रिले ये मैच कर जाएगी। सपोज करो जो इसकी एक्चुअल रिले है इस कंप्रेसर की, वो ये है। अगर मैं इसको लगाता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे इसका पॉइंट है, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, न्यूट्रल, तो ये मैच करेगी। इस तरीके से आपको रिले मैच कर, जहाँ रनिंग होगा वहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? अब ये OLP नीचे लगाई थी, तो मैंने OLP ये चूज की हुई है, तो मैंने OLP फिर से नीचे लगा दिया, और ये है मेरा रिले, ये रिले लगा दी, PTC रिले यहाँ लगाई, और मुझे रिले को देना न्यूट्रल, है ना। ये न्यूट्रल के बाद मैंने ये ली एक, ठीक है, और जो बल्ब मुझे न्यूट्रल से मिला था, मैंने बल्ब न्यूट्रल दिया था, ये न्यूट्रल पॉइंट, इसी से न्यूट्रल मेरा जंक्शन पॉइंट से यहाँ से होते होते हमारा रिले पे आ जाएगा, और मेरे कनेक्शन पूरे हो गए कंप्लीट, ठीक है। स्टार्टिंग खाली रहेगी, स्टार्टिंग में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, समझ में आ गया। इस प्रकार से आप सिंगल डोर की वायरिंग कर सकते हो, और इसको चला के कैपेसिटर हो, मतलब कैपेसिटर होगा तो स्टार्टिंग का एक पॉइंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं चलता है नहीं चलता, इसको पकड़ो एक बारी, ठीक है। ये मेरा कंप्रेसर ऑन हो गया, यहाँ से प्रेशर फेंक रहा बाहर, और जब डोर बंद किया तो लाइट भी बंद हो रही, कंप्रेसर कुछ रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। ऐसे कनेक्शन होने चाहिए, कभी कभार टेक्नीशियन ऐसे कनेक्शन करते थे कि जैसे डोर बंद किया कंप्रेसर ही बंद। उसने क्या कि रिले के ये तो लिया ना मेरा मेन फेज, यहाँ से नहीं लिया, वहां से लिया आउटपुट से। हाँ बंद करो, बंद करो, ये देखो बंद हो गया कंप्रेसर, क्योंकि इसने यहाँ से थर्मोस्टेट ने इसका कर दिया बंद करवा। अब ये चलेगा नहीं, 3 मिनट के बाद चलेगा। क्लियर हो गया? गुड आउट, पूरा काम, ये पूरा आपकी सिंगल डोर की वायरिंग होगी। सिंगल डोर को हम नॉर्मली ड्रैग टू रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, उसमें हमारे दो पार्ट यूज होते हैं, एक कंप्रेसर और हमारा रिले OLP साथ में, और ये हमारा थर्मोस्टेट, ये हमारा डोर बल्ब, बल्ब ये डोर स्विच, ये बल्ब स्विच, ये क्या हो गया थर्मोस्टेट, ये रिले, रिले और ये OLP, और ये कंप्रेसर, और एक मेन लीड। सर आपने तो इतना सारा काम था, बस वो तो मैंने बताया था कि ये सारी रिले। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस पार्ट को चेक कैसे करना। चलो जी, थैंक यू।